आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। तो आज हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का सर्किट क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है और इससे हम किस प्रकार की मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सिंपलेस्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का सर्किट है उसका डायग्राम निम्न हो। इसमें हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। जिसके एमिटर से एक फीडबैक रेजिस्टेंस आरई और एक बाईपास कैपेसिटर सीई लगा होता है। और एमिटर पर ही हम इनपुट सिग्नल लगाते हैं। जिसको हमें सुपर इम्पोज करना है कैरियर वेव के ऊपर। कलेक्टर को और बेस को, कलेक्टर को सप्लाई देते हैं रेजिस्टेंस आरसी के थ्रू, एक सप्लाई प्लस वीसीसी से, और बेस पर पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से हम सप्लाई देते हैं रेजिस्टेंस आर वन और आर टू की हेल्प से। बेस पर हम एक कैपेसिटर सी इन की सहायता से कैरियर फ्रीक्वेंसी देंगे। ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको हम बेस पर देंगे और आउटपुट कलेक्टर से एक कैपेसिटर सी सी के साथ निकालेंगे। जिससे एक लोड कनेक्ट होगा और उस पे हमें मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम होगा।
की कार्यविधि या वर्किंग। एमीटर से लगा हुआ सिग्नल सोर्स के कारण जो ये एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करेगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, स्रोत के कारण ट्रांजिस्टर पर नेगेटिव फीडबैक का मान बदलेगा यानी परिवर्तित होगा, अतः इस कारण ट्रांजिस्टर का एम्प्लीफिकेशन EVF भी बदलेगा। जब AVF का मान बढ़ेगा तो कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एम्पलीफाई होंगी, और जब AVF का मान कम होगा तो कैरियर फ्रीक्वेंसी कम एम्पलीफाई होगी। आधार पर दी गई कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड EVF के साथ बदलेगा, परंतु उसकी आवृत्ति वही रहेगी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी की है, के साथ बदलेगा और हमें संग्राहक से मॉड्यूलेट तरंगे प्राप्त होंगे। मॉड्यूलेट तरंग की आकृति मॉड्यूलेशन गुणक एम पर निर्भर करेगी। यहां हम कुछ दिखाते हैं कि एम के अलग अलग मानों के लिए मॉड्यूलेट तरंग की शेप किस प्रकार से होगी। एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं टाइम, और वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट तरंग का। पहले ग्राफ में तुम दिखाएंगे जबकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान एम लेस देन वन है, सेकंड में दिखाएंगे जब एम का मान इक्वल टू वन है,
और थर्ड में दिखाएंगे जब m का मान ग्रेटर देन 1। तो पहले हम बात करते हैं m लेस देन 1 की। इसमें मॉडुलस तरंग की शेप कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें मॉडुलेशन इंडेक्स का मान 1 से कम होने के कारण ईसी मिनिमम का मान 0 नहीं हो रहा। कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट वैल्यू ये है ईसी मैक्सिमम और ये वैल्यू है ईसी मिनिमम। m इज इक्वल टू 1 के लिए m इज इक्वल टू 1 के लिए ईसी मिनिमम की वैल्यू 0 हो जाएगी।
इस प्रकार से m इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम बात करें तो EC मैक्सिमम ये होगी और EC मिनिमम ये होगी, और m की वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो ये m ग्रेटर देन 1 के लिए, इसमें हम ये देखते हैं कि ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि ये लूप्स हैं ब्रेक हो रहे हैं और इस कारण इसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रकार से m की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें मॉड्यूलस तरंगों की शेप मिलेगी। तो ये तो हुआ आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेटर या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेक्टर की। एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेटर एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेटर या आयाम डी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें भी पहले हम सर्किट डायग्राम और उसके फिर वर्किंग देखेंगे। एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन मतलब वह डिवाइस जिसके द्वारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवों में से एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेट वेव में से सिग्नल तरंग को अलग किया जाता है ने एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर या हम एम्पलीट्यूड डिटेक्टर कहते हैं। इसका सर्किट डायग्राम
निम्न प्रकार से होगा। इसमें एम्पलीट्यूड डीमॉडुलेटर में कि जो हमारा रिसीविंग एंटीना है उससे हम एक कॉइल L1 पर सिग्नल देंगे, जो मॉड्यूलेटेड वेव आ रही है मॉड्यूलेटेड वेव, और इसकी सेकेंडरी L2 और C2 ये काम करेंगे एज ए सिलेक्टर। अब इसके बाद एम्पलीट्यूड डीमॉडुलेटर में हम एक डायोड का यूज करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड सिंपल, और एक लगाएंगे उससे कैपेसिटर सी। ये हो गया डीमॉडुलेटर। और इससे जो आउटपुट मिलेगी उसको हम सिग्नल को हम लाउड स्पीकर में देखें, क्योंकि इससे हमें सिग्नल मिल जाएंगे, उसको हम लाउड स्पीकर में दे सकते हैं। बीच में हम एम्पलीफायर आदि का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ इसको शो करने का मतलब है कि ये सिग्नल को अलग कर देगा। तो अब हम ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा और फिर उससे जो हमें अलग अलग टर्मिनल्स पे किस प्रकार की वेव्स प्राप्त होंगी। इसकी वर्क डीमॉडुलेटर में पीएन जंक्शन डायोड सेलेक्टर से प्राप्त मॉडुलेट तरंग का केवल अर्ध भाग अपने में से जाने देगा। अब संधारित सी, जिसकी प्रतिबाधा, जिसकी इंपीडेंस XC=1/2πf फ्रीक्वेंसी हो गया इंटू सी होती है वह उच्च आवृत्ति
हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव्स के लिए शंट का काम करेंगे का काम करेगी और हाई फ्रीक्वेंसी को आगे नहीं जाने देगी। इस प्रकार केवल कम फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल या मॉडुलक तरंग है आगे जाएगी में अलग होकर जाएगी। तो इस प्रकार से हमें सिग्नल प्राप्त हो जाएगा और उसको हम वापस साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग टर्मिनल्स पे किस प्रकार से शेप होगी वेव्स की वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि जो सेलेक्टर से हमें वेव मॉड्यूलेट वेव प्राप्त होगी वो किस प्रकार की होगी। वाई एक्सिस पे हम एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे चाहे वो मॉड्यूलेट वेव का हो, मॉड्यूलक वेव का हो या कैरियर वेव का हो। पहले हम देते हैं चयनकर्ता से प्राप्त सेलेक्टर से प्राप्त तरंग। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना भी हो सकता है मान लेते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैक्सिमम है दैट इज 1। तो हमें जो प्राप्त होगी वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगी m की वैल्यू 1 के लिए हमने दिखाया है। m की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो हम इसको उसी प्रकार से शो कर देंगे। अंदर ब्लू कलर से कैरियर फ्रीक्वेंसी है और एनवलप चेंज हो रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिग्नल। ये तो हमें सेलेक्टर से मिलेगी अब उसके बाद ये जाएगी पीएन जंक्शन में। पीएन जंक्शन में जाने के बाद जो पीएन जंक्शन से हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी।
यानी हमें बाई डायरेक्शनल करंट से यूनी डायरेक्शनल करंट प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अब भी ये मॉडुलेटेड वेव ही है, इसमें से सिग्नल अलग नहीं हुए हैं। ये हो गया डायोड से प्राप्त करंट। नेक्स्ट अब जो ग्राउंडेड है कैपेसिटर यहाँ पर हमने ग्राउंडेड दिखाया, देखिए सबके डायग्राम में कैपेसिटर यहां से ग्राउंडेड दिखा दीजिए चाहे, या फिर यहां कहीं भी दिखा दीजिए, ग्राउंडेड है। भू संपर्कित ग्राउंडेड कैपेसिटर से जाने वाली वेव कैरियर वेव का जो हाफ पार्ट है ये कैपेसिटर से अलग होके ग्राउंड में चला जाएगा। और लाउड स्पीकर में जाने वाली सिग्नल करंट सिग्नल वे इस प्रकार से लाउड स्पीकर में सिग्नल तरंग हमें मिल जाएगी। इस प्रकार से हमें लाउड स्पीकर में सिग्नल वेव मिल जाएगी। ये हो गया ES। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्किंग ऑफ डीमॉड्यूलेटर। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।